बीते दो वर्षों में कोविड की पाबंदियों के कारण घाटे में चल रहा प्रदेश पर्यटन विभाग अब मुनाफे में आ गया है। पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने आज शिमला में बताया कि कोविड में हुए सुधार के बाद अब प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ी है और अप्रैल व मई महीने में रिकॉर्ड पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं, जो सामान्य वर्ष 2019 से भी ज्यादा है। अमित कश्यप ने बताया कि पर्यटक निगमों के होटलों को सैलानी खासा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते घाटे में चल रहा पर्यटन निगम मुनाफे में आ गया है। सबसे ज्यादा आघात किसी सेक्टर को पहुंचे तो वो विदेशी सैलानियों के, अभी यहाँ आमद रुक गई थी और हमारे जो देश के सैलानी उनकी आमद रुक गई थी। इस वजह से टूरिज्म सेक्टर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है घाटा हुआ था और हमारे प्रदेश में भी क्योंकि यहाँ पर दो साल के करीब जो है पाबंदियाँ लगी हुई थी कोविड की एवज में, तो सैलानी यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, तो HPTDC की जो वित्तीय स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। परंतु इस वर्ष जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं, 55 हमारे जो है यहाँ पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स इत्यादि हैं, तो सब में जो है जितने पर्यटकों की फुटफॉल रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। प्री कोविड ईयर्स में जैसे 2019 में अप्रैल और मई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो है हमारा कैश इनफ्लो जो है 15 करोड़ के करीब था, परंतु इस वर्ष जो है वो लगभग 18 करोड़ के करीब जो है इन्हीं दो महीनों में कैश फ्लो जो है HPTDC का रहा है। और इस साल जो है क्योंकि काफ़ी विदेशी और हमारे देश के जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो HPTDC के होटलों में रह रहे हैं, तो वित्तीय स्थिति जो है इसकी संतोषजनक है और इस अभी तक जितने हमारे पास आंकड़े हैं अभी तक HPTDC इस वर्ष जो है प्रॉफिट में है।